हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला। स्वर, परंपरागत स्वरों के वर्ण तथा उनकी मात्राएं। परंपरागत स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है बच्चों? ये परंपरागत स्वर हैं। ये इनकी मात्राएं दी हुई हैं। अ अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसका निशान लगाया गया है खाली का। आ आ की मात्रा होती है, आ का डंडा। छोटी ई जो सामने से लगती है, बड़ी जो पीछे से लगती है, छोटा उ जो आगे की तरफ और बड़ा उ पीछे की तरफ। री ए, ए की एक मात्रा होती है और ऐ की दो मात्राएं होती हैं। ओ की एक मात्रा होती है और औरत की दो मात्राएं होती हैं। अब बच्चों, अनुनासिक स्वर तथा उनकी मात्राएं। अं आ आ ई ई उ उ उ ए ऐ ओ औ। ये यहाँ अनुनासिक शब्द बताए गए हैं कि जब चंद्रबिंदु या बिंदु लग जाता है तब उनकी आवाज कैसे निकलती है। अंग आ, ठीक है। अब आगत स्वर तथा उनकी मात्राएं। आ आगत स्वर अ, और इसकी मात्रा क्या होती है? आ का डंडा और ऊपर चंद्र। व्यंजन, परंपरागत व्यंजनों के वर्ण। मौखिक व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, विसर्ग अह, अनुस्वार अंग। क वर्ग, क ख ग घ ण। च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। य र ल व। श स ह। ज आगत व्यंजनों के वर्ण। ज फ नवविकसित व्यंजनों के वर्ण। ड ढ। अब बच्चों देखो, आपने देखा ये हिंदी वर्णमाला है और हिंदी वर्णमाला को हम कक्षा नर्सरी से पढ़ते हुए अब फोर्थ क्लास में यानी कक्षा चार में पहुंच गए हैं, तो हमें वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान हो गया है और इसमें जो नए वर्ण दिए हैं आज हमें उनका भी ज्ञान हो गया है। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा। उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियाँ दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी में तीन तरह के स्वर तथा तीन ही तरह के व्यंजन पाए जाते हैं। परंपरागत, नव विकसित तथा आगत। अनुनासिक नासिक्य कृत स्वर हैं तो अनुस्वार नासिक्य नासिकीकृत व्यंजन है। आइए अभ्यास करें। अब बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर हम बाद में देंगे, अभी पहले हम अपने अभ्यास प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। क, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ये सही है। ख, स्वरों के उच्चारण में मुख में रुकावट उत्पन्न स्वरों के उच्चारण में मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, ये गलत है। ग, व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि व्यंजन को स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। घ, हिंदी में री का उच्चारण स्वर के रूप में नहीं होता, ये भी गलत है। ड, अनुस्वार एक नासिक्य कृत स्वर है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों में बिंदु अथवा चंद्र बिंदु के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क, मंदिर, पंख, इसमें हमने बिंदु लगाया है, पंख में भी बिंदु लगाया है और मंदिर में भी। सांप में हमने चंद्र बिंदु लगाया है, ऐसे ही संतरा में बिंदु और दांत में चंद्र बिंदु, कुआं में भी चंद्र बिंदु। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि
जिस स्वर में ऊपर मात्रा नहीं होती उसमें हम चंद्र बिंदु ही लगाते हैं, लेकिन जिसमें मात्रा होती है उसमें हम बिंदी लगाते हैं। और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें बिंदी ही लगानी होती है। प्रश्न नंबर 4, वर्णों को मिलाकर उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। उदाहरण क प्लस ए प्लस ल प्लस आ ल बराबर ल, केला, यानी क ए ल आ केला। ऐसे ही क र उ प ए रूप, ख मैं ए ल आ मेला, ग न ओ क ए र ई नौकरी, घ क री श ण ए कृष्ण, ड न आ न ई नानी। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके उचित शब्द बनाइए। देखिए बच्चों, र थ रथ, व र श आ वर्षा, ट्रेन। अब प्रश्न नंबर 6, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। कत वक्त रक्त, प्य प्यास प्यारा, टट इकट्ठा मट्ठा, कक मक्का चक्का, स्व स्वयं स्वतंत्र। बच्चों अब हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम आगे चलेंगे, कुछ करके सीखिए। देखो बच्चों, बच्चों नीचे दिए गए चित्र में जादूगर द्वारा जादू दिखाया जा रहा है। उदाहरण के अनुसार आप इस चित्र से में से संयुक्त व्यंजनों तथा द्वित्व व्यंजनों वाले शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखेंगे। नीचे दिया है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। बुढ़ा गुड्डा, मक्खन अच्छा, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। कुत्ता बिल्ली बच्चा पत्ता, ये क्या है? ये है द्वित्व व्यंजन। पता करके देखिए किन किन शब्दों से विसर्ग का चिन्ह लुप्त हो गया है। बच्चों ये आपको स्वयं करना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला प्रश्न आपको स्वयं करना है ढूंढकर। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। उच्चरित यानी जिन्हें हम उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का, उनके लिए जो लिखित चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? इसका उत्तर है बच्चों, स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वह स्वर है। वह क्या है? वह स्वर है। जबकि व्यंजन में ध्वनियों के उच्चारण में होठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है? रुकावट उत्पन्न हो जाती है। जैसे फिर से एक बार हम पुनः पढ़ देते हैं, स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वह स्वर है। जबकि व्यंजन में ध्वनियों के उच्चारण में होठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, किन स्वरों को मात्रा चिन्ह कहा जाता है? इसका उत्तर है,
व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक स्वर अ को छोड़कर सभी की अपनी अपनी मात्रा होती है। क्या होती है बच्चों? सभी की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। बच्चों ये तो आपकी बुक में प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मैं अलग से भी करवाऊंगी आपको। जैसे वर्ण ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर है स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाती हैं। ऐसे ही हम व्यंजन के लिए भी, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में मुख के विभिन्न स्थानों पर रुकावट उत्पन्न की जाती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, परंपरागत व्यंजन, नव विकसित व्यंजन और आगत व्यंजन। तो बच्चों इन सब को आप कॉपी में भी करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। धन्यवाद।